एक घंटे बाद बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होने जा रही है। एक तरफ बेंगलुरु है तो दूसरी तरफ दिल्ली है। विपक्ष के बैठक में गठबंधन के नाम पर आज फैसला हो सकता है कि गठबंधन का ये जो महागठबंधन बनाया गया है इसका नाम क्या रखा जाए। संयोजक और अध्यक्ष पर भी मुहर आज लग सकती है। सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। सबसे पहले ज्वाइंट कमेटी बनाने पर मंथन होगा। जी हाँ, ज्वाइंट कमेटी का जिक्र लगातार हो रहा है। इसकी सूरत कैसी होगी ये भी डिटेल हम आपको देंगे। विपक्ष की बैठक को लेकर TV9 भारतवर्ष पर अंदर की बात अब आपके सामने। विपक्षी मोर्चे के नाम के लिए अलग अलग सुझाव आए हैं। एक नेता ने कहा इंडियन पेट्रियोटिक अलायंस इसका नाम रखना चाहिए। किसी नेता ने फ्रंट का सुझाव दिया तो ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी नाम हो उसमें फ्रंट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जानकारियां मीटिंग के अंदर से सामने आ रही हैं। कल इनफॉर्मल डिनर हुआ और उसमें विपक्ष ने एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश की और आज रणनीति बनाने का दिन है। पल पल की अपडेट बेंगलुरु पर, सबसे पहले TV9 पर। तो TV9 आपको अंदर की बात आज बताएगा, वो इनसाइड स्टोरी जो कोई नहीं बता पाएगा आपको। नाम को लेकर जो मंथन हो रहा है उसकी इनसाइड स्टोरी अब TV9 आपको बताने जा रहा है। नाम को लेकर अंदर की बात क्या है, ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि अलायंस के नाम में फ्रंट शब्द ना हो। फिर नीतीश कुमार ने क्या कहा, नीतीश कुमार बोले कि ममता जी फॉर्म में है। एक ने कहा कि इंडियन पेट्रियोटिक अलायंस यानी IPA इसका नाम रख देना चाहिए। फिर किसी और ने कहा कि इंडियन पेट्रियोटिक फ्रंट इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम रखा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा, ये कहा कि जो भी हो लेकिन उसमें फ्रंट शब्द ना हो। ये ममता बनर्जी ने पुरजोर तौर पर अपनी बात रखी है।